गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बेल आइकन प्रेस कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो आज हम बनाने वाले बहुत ही कमाल की दोखली वाली काइट। इसके लिए हमें चाहिए टेप, कैंची, साथ में हमारे पास जो है ना झाड़ू आ जाता है, साथ में हमारे पास धागा आ जाता है, प्लास्टिक बैग आ जाता है और पेपर आ जाता है। इन चीजों को मिलाकर बहुत ही कमाल की आपका भाई जो है ना आप लोगों को दोखली काइट बना के दिखाएगा, जो कि ट्रांसपेरेंट दोखली काइट होगी। ऐसे लगेगा सिर्फ आंखें शांखें जो है ना वो हवा में उड़ रही है और पान पत्ता। बहुत ही कमाल की काइट बनेगी, तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल की जो है ना काइट बनाने वाले हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा देता हूं किस तरह से बनानी है। ये प्लास्टिक बैग है, इस वाले प्लास्टिक बैग को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इजीली जो है ना इस तरह से ये कर लेंगे इस तरह से, और यहां से इस वाली साइड पे प्रेस करेंगे कि सारी हवा जो है ना इसकी निकल जाएगी और इजीली जो है ना आपका पेपर यहां से काट जाएगा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, इस तरह से इजीली जो है ना पेपर अपना काट सकते हो। ये पेपर यहाँ से हमने काट लिया, इसे थोड़ा सा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर होता है ना ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से प्लास्टिक बैग को काटना शुरू कर देना है। ये देख सकते हो इस तरह से, ठीक है, ये चेक कर सकते हो, ठीक है, ये हमने काट दिया। इसे हम इस वाली साइड पर ले आते हैं क्योंकि हमें ये वाली साइड चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हो ये वाली साइड, और यहाँ से हम क्या करते हैं इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ये पेपर को। ठीक है, ये वाला जो प्लास्टिक बैग है ना, बचपन में यूज़ किया करते थे हम काइट बनाने के लिए ना, चाइल्डहुड मेमोरीज, हमारी जो बचपन की यादें हैं ना इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये प्लास्टिक बैग के साथ ये पापड़ों वाला शॉपर ले लेना, और यहाँ इससे जो है ना काइट बनानी कौन कौन बनाता था कमेंट करके बताना। अभी हम क्या करते हैं इस तरह से इसकी जो कटिंग है ना अच्छे तरीके से जो है ना कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कटिंग कर ली, ये कटिंग कर दी, अभी हम क्या करते हैं इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हो इस तरह से फोल्ड करके अभी यहाँ से इसे हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये प्रेस कर दिया, इस वाली साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ से इस तरह से जो है ना ये वाली जो साइड, ठीक है, यहाँ से हमने काट लेनी है कुछ इस तरह से। ये जब काट जाएगी इसे कुछ इस तरह से हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हमने क्या करना है, ये देखो, ठीक है, यहाँ से हमने इस तरह से निशान लगाना है एक हल्का सा। ये निशान लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमने ऊपर की साइड पे ना कटिंग करते जाना है। ये देख सकते हो इस तरह से, ठीक है, ये कटिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ये देख सकते हो इस तरह से प्यार से जो है ना हमने सारी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल अच्छे तरीके वाली। ये ठीक है, कटिंग हो गई है यहाँ से, ये देख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, इधर से कटिंग करेंगे कि हमारा जो गुड्डा है ना बड़ा ही कमाल का और खूबसूरत सा बन जाए। ये देख सकते हो इस तरह से, ये देखो, ठीक है, इस तरह से हम रख के ना, ये देख सकते हो इस तरह से कटिंग करते जाएंगे यहाँ से बिल्कुल अच्छे वाली, ये देख सकते हो। और यहाँ से इस तरह थोड़ी सी ना नीचे वाली साइड पे कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हो कटिंग हमारी हो गई है बड़े अच्छे तरीके से। गुड्डा जो है ना हमारा मतलब बन गया है ऑलमोस्ट, इसका जो सारा होता है ना पेपर वगैरह, ठीक है। ये देखो अभी हमने इसे खोला तो हमारा जो काइट है कुछ इस तरह से जो है ना इसका पेपर नज़र आएगा, जो कि अभी ट्रांसपेरेंट है। और अभी हम क्या करते हैं, ये यहाँ से हम तीले ले लेते हैं, ठीक है, ये तीले हैं हमारे पास, यहाँ से हम तीले निकालेंगे जो जो हमें अच्छे लगेंगे। ठीक है, एक ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक हो गया, ये वाला तीला निकाल लिया अभी हमने। अभी हमने और भी तीले निकालने हैं अच्छे अच्छे, कि हमने जो है ना कमान वाला तीला भी बनाना है और साथ में जो दूसरे वाला तीला होता है ना वो भी बनाना है। ये एक ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरह ही आप लोगों ने तीले निकालते जाना है अच्छे अच्छे। ये देख सकते हो जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ से ये वाला तीला जो है ना थोड़ा छोटा है, यहाँ से ये वाला निकाल लेते हैं। ये हमने जो है ना चार तीले टोटल निकालने हैं जो कमान वाला तीला बनाना है ना उसके लिए। तो अभी मैं इधर से जो है ना एक अच्छा तीला और देख लेता हूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, ठीक है, ये देख सकते हो डन। ये हमने अभी चार निकाल लिए हैं, अभी हमने बाद में और भी निकाल लिए हैं, पहले हम जो है ना ये चार तीले इस तरह से निकाल लेंगे। इन तीलों के साथ क्या करना है, इन तीलों को ना इस तरह से आप लोगों ने तोड़ देना है। तोड़ने के बाद क्या करना है, इस वाली साइड पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ से भी इस तरह से हमने इन्हें तोड़ लेना है, ठीक है, ये तोड़ लिए। अभी हम क्या करते हैं, इनमें से जो दो मोटे तीले हैं ना, ठीक है, इन दो तीलों को आपस में हम जोड़ेंगे। उससे पहले हमने क्या करना है, ये वाला जो दो तीले हैं ना, ठीक है, इन्हें हम थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ तक इतना, ठीक है, ये हमने तोड़ दिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन वाले तीलों को ना आपस में जोड़ेंगे, ठीक है,
जैसे मैं जोड़ूंगा ऐसे ही आप लोगों ने जोड़ लेना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से हमने धागा लगाना है और इन्हें अच्छे तरीके से जो है ना जोड़ लेना है। ये बहुत काम आएगा आप लोगों के ना ये सीन, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी करना है। ये देखो यहाँ से हमने इन्हें आपस में जोड़ लिया। अभी हम क्या करते हैं इन थीलों को ना, ठीक है, ये वाले जो मोटे थीले हैं, ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे अब, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे रख के, ठीक है। ये देखो इस तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना धागा जो है ना लगाते जाना है कि अच्छे तरीके से जो है ना ये काम हो जाए, ठीक है। ये देखो इस तरह से हमने रोल एंड रोल करते जाना है, करते जाना है। ये देखो, ये देखो इस तरह से हमने ये अच्छे तरीके से जो है ना लगाना है। इससे क्या होगा कि हमारी गुड्डी जो है ना टाइट बनेगी काफ़ी, ठीक है। समझ रहे होगे इस बात को आप लोग ना कि टाइट बनानी है हमने गुड्डी को। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं इसे, ठीक है जी। यहाँ से क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पे इस तरह से रख के ये वाला तिल्ला, ठीक है। यहाँ से हम इस तरह से आहिस्ता 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 रोल एंड रोल करते जाएंगे और ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इस तरह से हमने अपने तीले को एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ पे इसे लगाते जाना है, धागे को अच्छे तरीके से लगा लेना है कि ये जो है ना कमान हमारी अच्छे तरीके से बन जाए। ये देखना आप लोग, काफ़ी टाइट बनेगी और अच्छी बन जाएगी। यहाँ से है ना ये काम आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। इससे आपकी कमान अच्छी बन जाती है, टाइट बन जाती है और गुड्डा जो है ना टाइट रहता है काफ़ी ज़्यादा ना, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से हम गिरा लगा लेंगे। ये देख सकते हो गिरा शिरा लगा दी यहाँ पर और इसे हम यहाँ से काट लेते हैं। अभी चेक करते हैं कि हमारा तीला सही बना है या नहीं बना, ठीक है। ये देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तीला बना है, ये देख सकते हो आप लोग, और बिल्कुल परफेक्ट उसके ऊपर आ भी रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम इसे तोड़ लेते हैं, यहाँ से भी हम इसे तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये तोड़ लिए दोनों जगह से। अभी ये एक तीला बन गया हमारा। अभी हमने इसका जो सेंटर वाला तीला है ना वो बनाना है, ठीक है। सेंटर वाला तीला तो सिंपल है, उसे आप लोग जो है ना इजीली बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक साइड में मोटी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और दोनों जो है ना अच्छी यूज करेंगे कि हमारी गुड्डी जो है ना अच्छी बन जाए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं, ये जो हमें अच्छा तीला नज़र आएगा ना वो हम ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देख सकते हो ये वाला जो अच्छा लग रहा था पर है नहीं, ये देखो ये वाला अच्छा निकला है। अभी हम इसे क्या करते हैं, साइड पे रखते हैं और ये वाला तीला जो है ना यहाँ से इस तरह से इसे इसके साथ तोड़ लेते हैं। ये कॉर्नर हमेशा ना आप लोग काट दिया करो, नहीं तो हाथ में लग जाते हैं बुरी तरह से। और यहाँ से हम इसे यहाँ से भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। टेप भी आप लोग इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, मैं धागा करूँगा, ठीक है। ये देखो धागे से बनाएंगे ये हम काइट, ये देखो, ठीक है जी। यहाँ से हम इस तरह से रोल एंड रोल करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, ये देखो, ठीक है। ये कॉर्नर जो है ना यहाँ पे आप लोग धागा ज़्यादा लगाया करो, इससे क्या होता है ईजीली जो है ना आपका जो तीला ना अच्छे तरीके से मजबूती के साथ जुड़ जाता है और फिर निकलता नहीं है, ठीक है। ये देखो, ठीक है जी। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं। ये हमने इसे काट लिया, अभी हम देख लेते हैं कि तीला पूरा आता है या नहीं आता। तो बिल्कुल तीला पूरा आएगा हमारा, ठीक है। ये देखो यहाँ से इस तरह, अभी यहाँ से तोड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से तोड़ लिया और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे रख के, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से तोड़ लेंगे। ज़्यादा रख के तोड़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा तीला बैठेगा, ठीक है। अभी मैं इसे धागे के साथ लगाऊंगा, आप लोग टेप भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं धागा यूज़ करूंगा, ठीक हो गया। आप लोग जो यूज़ करना चाहो कर सकते हो, धागा भी कर लो, टेप भी कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम यहाँ से इस तरह से गिरा लगाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखो गिरा लग गई, अभी हम इसे यहाँ से काट लेते हैं। ये काट लिया, अभी हम इसे क्या करते हैं, नीचे वाली जगह पे ना प्रेस करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे,
से ज़्यादा करेंगे ना तो फिर नीचे से जो है ना हमारा तीला निकल भी सकता है। तो बाकी कोई बात नहीं, अभी हम इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं। ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से रख के हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हम गिरा लगाते हैं, ये गिरा लगा दी। अभी हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से काट लेते हैं। ये काट दिया, काटने के बाद क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा खोलेंगे, खोल के चेक करते हैं कि हमारा तीला सही बैठा है या नहीं बैठा। ठीक है, तो बिल्कुल तीला जो है ना सही बैठ चुका है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जो टेप है ना, ठीक है, वो लगाएंगे। टेप का भी इस्तेमाल आपका भाई करेगा, ये नहीं कि नहीं करेंगे, ठीक है, टेप भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में धागा भी, दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी काइट को ईजीली अच्छे तरीके से बना लेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से गिरा लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखो गिरा लगा दी। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे, ठीक है, गिरा लगाने के बाद यहाँ से हम इसे यहाँ पर खोलेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से हमने क्या करना है, इसे यहाँ से इस तरह टाइटली खोल लेना। खोलने के बाद क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे अपनी गिरा लगाएंगे। ये देख सकते हो गिरा लगा रहे हैं, गिरा लगा दी यहाँ पे अच्छे तरीके से। और अभी हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से काट देते हैं और इसे यहाँ से थोड़ा सा खोल देते हैं कि जो सिलवटें वगैरह हैं वो निकल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से भी अभी हम क्या करते हैं, टेप लेंगे अपनी। इस टेप को क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से जो है ना, ये देख सकते हो यहाँ पे रखेंगे और इसे यहाँ से इस तरह से जो है ना प्रेस करना है हमने। टेप लगानी है अच्छे तरीके से। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाते हैं आप। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, थोड़ी सी टेप यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ये देखो अभी भी थोड़ा सा जो है ना पेपर इसका बाहर निकला हुआ है, अभी हमने इसे भी सेट करना है। यहाँ पे लगा दी टेप जी, ठीक है, ये देख सकते हो थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे भी लगा के इसे अच्छे तरीके से जो है ना सेट हम कर देते हैं। ठीक है जी, ये सेट हो गया, ये देख सकते हो आप लोग अच्छे तरीके से हमारी जो टाइट काइट है ना वो बन गई है, आपके सामने ही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये टाइट काइट है, अच्छे तरीके से बनी है। अभी हम क्या करते हैं, इसकी आंखें और पान पत्ता बनाएंगे। उससे पहले जो है ना, ये देखो यहाँ पे ये इसका सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ से अच्छे तरीके से ना हमारी काइट बन के उड़ना शुरू हो जाएगी। अभी हम जो है ना इसका पान पत्ता बनाते हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर लगा रहे हैं हमने, ये देखो ये वाला पेपर यूज़ करूँगा मैं पान पत्ता बनाने के लिए। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इतना सा रख के ना ये वाला पान पत्ता इसे मैं काट लूँगा। ठीक है जी, यहाँ से इस तरह से हम इसे काट लेंगे अच्छे तरीके से। ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से हमने इसे काट लिया। अभी हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से जो है ना फोल्ड कर लेंगे। ये देख सकते हो, यहाँ से हमने इसे फोल्ड किया, यहाँ से प्रेस किया, ये देख सकते हो फोल्ड एंड प्रेस। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से रख के इसे काट लेंगे। ये काट लिया, काटने के बाद क्या करेंगे, अभी हमने ना इस तरह से ये थोड़ी सी इसकी सिलवटें वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, मतलब सिलवटें पड़ी हैं, ये हम इसे भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये देखो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। अब थोड़ी सी वाली साइड से कर देते हैं, तो बिल्कुल जो है ना बराबर रख के हम इसका काम कर दें। ठीक है जी, ये देखो अभी पान पत्ता रेडी हो गया इसका। अभी हम यहाँ पे ले आते हैं इसे पान पत्ते को, ये लगाएंगे यहाँ पे, किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से रख के, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे और फिर यहाँ पे लगाएंगे थोड़ी सी टेप और यहाँ पे लगा देंगे थोड़ी सी, ठीक है,
और ये वाली जगह पे, और थोड़ी सी हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है जी, ये टेप वगैरह लग गई अच्छे तरीके से, पान पत्ता हो गया रेडी। नीचे वाली जो जगह है ना, यहाँ से क्या करते हैं, पान पत्ते को उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं जी, थोड़ा सा इस तरह से टेप को लगा दें। अभी जो इसकी आंखें हैं ना, वो भी बनाता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो पेपर है ना, इस वाले पेपर को हमने ना इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ से क्या करना है, ठीक है, इस तरह से काटेंगे। आंखें जो है ना, हम स्टार जैसी बनाएंगे इसकी, गोल नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से इसे काट लिया, दो हिस्से काटने हैं। ठीक है, ये देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक और हिस्सा काट लेते हैं, ये देखो, इस तरह से ये काट दिया, और यहाँ से इस तरह, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह हमने दो हिस्से इसके काट लिए हैं। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरह से इसे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर रखने के बाद हम क्या करेंगे जी, ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखो, इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से क्या करते हैं, इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। ये देखो, ये हमने इस तरह से कट वगैरह कर दिया। अभी क्या करते हैं जी, यहाँ से इस तरह जो है ना, मैं इसे काट दूंगा, और ये देखो, ठीक है, ये वाली आंखें जो है ना, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे वाली करके, ठीक है, ये मैं इसे एक बार फोल्ड कर लेता हूँ, जैसे हुई हुई थी ये फोल्ड, ठीक है, ये देखना, अभी मैं इसको इसके अंदर रख लेता हूँ, ये रखा मैंने इसके अंदर, और यहाँ से इस तरह से इसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद क्या करते हैं जी, यहाँ से इस तरह हम थोड़ा सा इसे तिरछा काट देंगे, कि जो है ना बराबर हो जाएं दोनों कॉर्नर, ये देख सकते हो कॉर्नर बराबर हो गए हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से रख के ना, ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ से इस तरह से टेप लगा देंगे, और यहाँ से जो है ना आमने सामने पहले लगा लिया करो, फिर जो है ना ये हिलता नहीं है और अच्छे तरीके से रहता है साथ में, ये देख सकते हो, ठीक है, ये एक साइड जो आँख की है वो लग गई है। अभी दूसरी साइड जो है वो लगाते हैं। ये शापर हमेशा इस तरह ही करता होता है, बाकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से लगाएंगे अब हम, ठीक है, आँख को, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे लगाते जा रहे हैं अच्छे तरीके से, जो है ना इसकी आँखें हम लगा लेंगे, ये देखो, ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी लगा लेना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये देखो, ठीक है, ये हमारी जो काइट है बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब इसकी तलाह में डालते हैं और इसे उड़ाते हैं। ये देखो, धागा हमारा अक्सर जो है ना इस तरह से हो जाता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से धागे को पकड़ो, और ये देखो, ठीक है, सेफ काइट फ्लाइंग करेंगे हम। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से जो धागा है तोड़ लिया हमने, ठीक है, अब वो सिरा अक्सर जो है ना मिलता नहीं होता, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ढूंढना है। ये देखो, ठीक है, मिल गया, बस हाथ फेरो और अच्छे तरीके से देखो, मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा जो है ना धागा और भी ख़राब है हमारा, ये देख सकते हो आपके सामने ही है, ये भी मैं इसे सही कर देता हूँ एक बार, आपके सामने करूँगा, ठीक है। ये देखो, इस तरह से आप लोग इसे खींच लोगे ना, तो ईजिली जो है ना इसके साथ ये निकलता जाएगा और सही होता जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ से हमने इसे सही कर दिया है, थोड़ा थोड़ा रहता है, तो उसे छेड़ेंगे नहीं हम, नहीं तो ज़्यादा निकलता जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से ना धागे को खोल लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये धागा जो है ना आपस में हम मिलाएंगे, और इजीली जो है ना अपनी काइट इंजॉय करेंगे, उड़ाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हो, यहाँ पे हम इसकी गिरा लगा देते हैं, ये गिरा लग गई, और अभी हम क्या करते हैं जी, ये इसकी तला में डालेंगे अच्छे वाली करके, ये हमारी जो काइट है, ठीक है, जो हमने बनाई है घर पर, इसकी तला में अच्छे तरीके से हमने डालनी है, सेटमेट करके देख के अच्छे तरीके से कि कहाँ पे कौन सी हिसाब आना है इसका, ठीक है। ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सुराख कर दिया है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाली साइड पे ले आते हैं इसे, ट्रांसपेरेंट है ना काइट हमारी, इसलिए जो है ना नीचे से भी हम इसकी तला में अच्छे तरीके से चेक करके
डाल सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो चेक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिरा लगाते हैं। ये देख सकते हो इस तरह से ये गिरा लग गई। और यहाँ से हम क्या करते हैं जी, इस वाली साइड पे आते हैं और यहाँ से हम जो है ना इसे पकड़ लेंगे, काइट का जो तीला है। ठीक है, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से जो है ना तला में डालनी है। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ से तलाम इस्लाम में डाल दिया हमने और यहाँ पे इसे निकाल लिया। निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम गिरा लगाएंगे। ये देख सकते हो इस तरह से ये गिरा लग गई। और इस तरह से जो है ना हमने इसका जो सेंटर है वो नाप लेना है। ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका सेंटर। ये ठीक है, इसका सेंटर लग रहा मुझे। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गिरा लगा लेता हूँ। अभी हमारी काइट रेडी है और इसे उड़ाते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो काइट है ना इसे उड़ाने वाले हैं। ठीक है, ये देख सकते हो बड़े अच्छे तरीके से ना अभी से हमारी काइट उड़ना शुरू हो गया है। ये देखो बिल्कुल स्टेबल और अच्छी काइट बनी है आपके सामने है। ये मैं उड़ा रहा हूँ इसे, ये चेक कर सकते हो आप लोग। अभी इसे मैं छोड़ता जा रहा हूँ घाटे को और वो देख सकते हो हमारी जो काइट है ना काफ़ी अच्छे तरीके से हवा के अंदर उड़ रही है, बिल्कुल तंग नहीं कर रही और बड़े अच्छे तरीके से हवा के अंदर स्टेबल भी उड़ रही है, वो देख सकते हो आपके सामने ही है। तो अभी क्या करते हैं, इस वाली काइट को उतार लेते हैं क्योंकि हमें जो है ना सेफ काइट फ्लाइंग करनी है। ठीक है, ये देख सकते हो अभी मैं ऐसे जो है ना नीचे उतार लेता हूँ अपने पास। ठीक है, हम सेफ काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, बाकी धागा यूज़ कर रहे हैं और ये छोपर वाली गुटियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके।